पैकिंग बहुत ही अच्छी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे उन्होंने जो है पैकिंग बहुत अच्छी करके भेजी है कुछ इस तरह से। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, आप भी किसी को कोई चीज़ भेजे पुरानी आइटम एंटिक चीज़ें, तो आप भी कुछ इस तरह से ही पार्सल करें, पैकिंग बनाएं। मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा दोस्तों कि मैंने क्या चीज़ जो है मुंबई से मंगाया है, क्योंकि तो दोस्तों जो मज़ा सस्पेंस में है वो जल्दी से बताने में नहीं है। तो चलिए, डब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है दोस्तों। ऐसा मैंने क्या मंगवाया है जो मैं बताना नहीं चाहता, सिर्फ दिखाना चाहता हूँ आप सबको। तो ये है दोस्तों आज का कोहिनूर हीरा, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह से है, देखिए। तो ये दोस्तों, ये देखिए, अब ये स्टीरियो साउंड बॉक्स बन गया है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, मुझे बेहद खुशी होती है जब भी मेरे पास कोई नई आइटम आती है। तो आज मेरे पास दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र अंधेरी ईस्ट मुंबई, वहाँ मेरे एक सेलर मित्र है दोस्तों, ये उन्होंने भेजा है मुझे। कहने का मतलब है, मैंने उनसे परिचय किया है। तो ये श्री शाहिद सिद्दीकी जी साहब, जो कि पुबई अंधेरी ईस्ट मुंबई में जो है ये एंटीक का काम करते हैं, तो ये उनसे मैंने जो है परचेज किया दोस्तों। आज सुबह सुबह ही मेरे पास डाक से ये पहुंच गया। तो क्यों ना दोस्तों, मैंने सोचा इस अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं आज जल्दी से इसे खोल लेता हूं दोस्तों, क्योंकि आप सबको भी काम पर जाना होगा और आपके पास भी समय बहुत कम होगा दोस्तों। तो मैं जल्दी से इसे खोल के आपको दिखाने का जो है कोशिश करता हूं। और दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसमें मैंने क्या मंगवाया है, मेरे दोस्त शाहिद सिद्दीकी ने मुझे क्या भेजा है पुबई मुंबई महाराष्ट्र पुबई से, अंधेरी ईस्ट जगह का नाम है शायद। तो खैर, मैं तो कभी गया नहीं हूँ दोस्तों, मैंने देखा नहीं है, सिर्फ मैं आपको जो है नाम बता सकता हूँ। तो पैकिंग बहुत ही अच्छी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे उन्होंने जो है पैकिंग बहुत अच्छी करके भेजी है कुछ इस तरह से। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, आप भी किसी को कोई चीज़ भेजे पुरानी आइटम एंटिक चीज़ें, तो आप भी कुछ इस तरह से ही पार्सल करें, पैकिंग बनाएं। तो बिल्कुल सही सलामत जो है आप जहाँ पर भी भेजेंगे वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं इन्हें बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा दोस्तों कि मैंने क्या चीज़ जो है मुंबई से मंगाया है, क्योंकि दोस्तों जो मज़ा सस्पेंस में है वो जल्दी से बताने में नहीं है। तो चलिए, डब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है दोस्तों, ये डब्बे को साइड रख लेता हूँ दोस्तों, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ ऐसा मैंने क्या मंगवाया है जो मैं बताना नहीं चाहता, सिर्फ दिखाना चाहता हूँ आप सबको। तो चलिए, मैं आपको एक एक करके जो है खोल के दिखाऊंगा दोस्तों, ध्यान से वॉच कीजिएगा वीडियो, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वरना ये शानदार पल आप गवा देंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे पल लाइफ में जो है हमेशा नहीं आते, ये बहुत ही सुनहरा पल है।
ऐसी चीज़ें देखने को दोस्तों यहाँ पे तरस जाती है, सदियाँ बीत जाती है ऐसी चीज़ें देखने के लिए। और ये बहुत ही प्यारी आइटम है दोस्तों, देखिए ये देखिए पैनासोनिक कंपनी का है। मैं मॉडल नंबर भी बताऊंगा दोस्तों धीरे धीरे। ये तो अभी सिर्फ एक साइड का स्पीकर हमने खोला है दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे इसका पर्दा हटाने वाला हूँ दोस्तों। कहने का मतलब है पर्दा पास करने वाला हूँ, मैं सब कुछ खोल के दिखाऊंगा दोस्तों, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत ही अच्छी आइटम है दोस्तों, एंटीक आइटम है, ये 90 के दशक का जो है स्टीरियो है, कैसेट से चलने वाला स्टीरियो है, विद 4 बैंड रेडियो भी है दोस्तों इसमें, और FM भी इसमें चलता है सब कुछ। और साउंड क्वालिटी दोस्तों, अगर एक बार आप इसका साउंड सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आप कहेंगे क्या गला पाया है, क्या आवाज़ है। तो ये दोस्तों ये भी पैनासोनिक का ही है, और ये दूसरी साइड का जो है इसका स्पीकर है दोस्तों। चलिए अब देर ना करते हुए दोस्तों जल्दी से हम इस खजाने को भी खोल लेते हैं, तो ध्यान से खोलना होता है दोस्तों, क्योंकि कई बार खोलते हुए भी जो है नुकसान हो जाता है, कई बार चीज़ें टूट फूट हो जाती है। तो एक तो इतनी दूर से आई है ये आइटम, इतनी मुश्किल से मिला है मुझे, अगर यहाँ बहुत ही टूट फूट हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसकी जो आवाज़, इसकी जो मीठी आवाज़ है उसे सुनने से हम वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं बहुत ही प्यार से खोलता हूँ, जब भी किसी पुरानी आइटम का जब भी मैं पैकिंग खोलता हूँ बहुत ही प्यार से खोलता हूँ दोस्तों। मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है दोस्तों, लेकिन चीज़ बिल्कुल सही निकल जाती है। कहीं मेरे जल्दबाज दोस्त खोलते खोलते ही तोड़ देते हैं, आधा नुकसान कर देते हैं। चलिए दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, अब आप आज की दुल्हन का जो है मुखड़ा देख सकते हैं। तो मैं सारा का सारा घूंघट इसका हटा देता हूँ, तो टेन टेरेन ये है दोस्तों, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये डबल कैसेट स्टीरियो दोस्तों, इसमें आप कैसेट टू कैसेट कॉपी भी कर सकते हैं, आप रेडियो बजाकर जो है कैसेट में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आज का कोहिनूर हीरा, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह से है। देखिए मैं अच्छे से दिखाना चाहूँगा आपको, ताकि आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, आपका भी दिल गदगद हो जाए। आपका भी मन करे कि 90 के दशक में कितना मज़ा करते थे हम लोग, कितनी अच्छी चीज़ें हमें मिलती थी। देखिए इस सेट की खूबसूरती देखिए, क्या लाजवाब सेट है, क्या जबरदस्त सेट है। तो चलिए मैं आपको इसे जोड़ के दिखाता हूँ। तो ये
ये कुछ इस तरह से दोस्तों ये जुड़ जाता है। देखिए राइट का लगाया हमने पहले, अब ये लेफ्ट का भी जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये देखिए, अब ये स्टीरियो साउंड बॉक्स बन गया है दोस्तों। तो ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। ये स्पीकर की तारें यहाँ पर लगेंगी, यहाँ पर इसका पावर कोड लगेगा, यहाँ पर वोल्टेज सिलेक्टर है, और यहाँ पर दोस्तों 8 बैटरी लगती है। आपको याद होगा उस टाइम में 90 के दशक में हम इसमें बैटरी डालकर और जहाँ भी हम जाते थे घूमने पिकनिक, तो हम इसे साथ ले जाते थे। याद आया दोस्तों, ये वही सेट है पैनासोनिक एक्स्ट्रा बेस, और इसका मॉडल नंबर है दोस्तों, मॉडल नंबर भी जान लीजिए। तो इसका मॉडल नंबर है दोस्तों RXCT 850 पैनासोनिक, RXCT 850 मॉडल है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो था। तो अगर आपको इसे सुनना है, इसकी खूबसूरती और देखनी है, निहारनी है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना होगा दोस्तों। पहले मैं इसकी अच्छे से सर्विसिंग करूंगा, तो इसके बाद ही दोस्तों मैं आपको फिर इसे चलाकर बजाकर अच्छे से दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मुझ गरीब का भी कुछ भला हो जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर जो है मैं आपको राम राम और नमस्कार करता हूँ।